11 में सबसे पहले मीनाक्षी बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब से कुछ ही देर बाद वो अपने मित्र अरुण जेटली के आवास पहुंचने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के परिवार से मिलने जाने वाले हैं। विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने दोस्त को याद करते हुए उनके घर जा रहे हैं। गृहमंत्री शाह जेटली के घर पर ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि जब पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हुआ था तब प्रधानमंत्री देश में मौजूद नहीं थे, वो अपने विदेश दौरे पर थे और वहीं से उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अपने मित्र अरुण जेटली को दी थी। अरुण जेटली का जब निधन हुआ उस वक्त पीएम मोदी बहरीन के दौरे पर थे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कितने बजे पहुंचने वाले हैं पीएम? देखिए मैं आपको बता दूं मीनाक्षी कि अब से लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के कैलाश कॉलोनी स्थित घर पर पहुंचने वाले हैं। पिछले दिनों पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का एम्स में निधन हो गया था और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन में थे और उन्होंने वहाँ से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए दी थी और उन्होंने कहा था कि आज उनका दोस्त अरुण नहीं रहा है, उनके पास बहुत सी यादें हैं, उनका मन भरा हुआ है लेकिन वो कर्तव्य से बंधे हुए हैं और इसलिए यहाँ पर हैं। और अब जैसे ही उनका विदेश दौरा खत्म हुआ है, G7 की बैठक करके वो फ्रांस से आज सुबह ही 5 बजे लौटे हैं। पहले उनको 10 बजे सुबह आना था लेकिन अब 11 बजे का टाइम दिया गया था आने का उनका। और लगभग ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर पर पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं, पिछले 20 मिनट से गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और अरुण जेटली के परिवार से बात कर रहे हैं। उनको अमित शाह लगभग कह सकते हैं कि जिस दिन उनका निधन हुआ था उस दिन भी यहीं आए थे और उसके बाद अगले दिन भी वो परिवार के साथ थे। जिस दिन उनको अंतिम संस्कार किया गया था उस दिन खुद निगम बोध घाट पर गृह मंत्री मौजूद थे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लौटने के बाद उनका सबसे पहला कार्यक्रम यही है कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर पर आकर उनके परिवार के साथ जो है वो उनको श्रद्धांजलि देंगे और ये कहेंगे, उनसे बात भी करने वाले हैं क्योंकि अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबंध है वो कोई 5 या 10 साल पुराना नहीं था, कई दशकों पुराना था। और ये कह सकते हैं कि अरुण जेटली जो है वो हमेशा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बैटिंग करते थे। 2009 से 14 के बीच में जब वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे तब भी उन्होंने जो है पास, क्योंकि आप बता ही रहे हैं कि अगले 2 से 3 मिनट में लगभग 4-5 मिनट में प्रधानमंत्री वहां पहुंच ही जाएंगे, लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कितना गहरा रिश्ता उन दोनों के बीच में था, बहरीन में जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे और अरुण जेटली के निधन की खबर आई तो उस दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमारी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी चली गई, आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। मैं आज बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अरुण जेटली के घर के बाहर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं परिवार से संवेदना व्यक्त करने। बाहर ही अमित शाह मौजूद हैं, पिछले 20 मिनट से अमित शाह घर के अंदर मौजूद थे, अब बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए वो आ चुके हैं और दोनों इस वक्त अरुण जेटली के घर के अंदर जाते हुए पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के परिवार से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। जिस वक्त अरुण जेटली का निधन हुआ था वो बहरीन में मौजूद थे और आज जब वो अपने विदेश दौरे से लौटे हैं तो सबसे पहले पहुंचे हैं अपने दोस्त को याद करने। कैलाश कॉलोनी में अरुण जेटली का ये घर मौजूद जहां पर परिवार इस वक्त है और परिवार से ही बातचीत करने के लिए, उनका दुख साझा करने के लिए, दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ हैं उसके लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीर के आगे
पहुंच पा रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री। सुबह ही जिस समय अरुण जेटली का निधन हुआ, प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद नहीं थे, विदेश दौरे पर थे, और बहरीन में ही जब भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे, अपने उस भाषण के दौरान भी उन्होंने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को याद किया, उनके साथ को याद किया, कैसे ये दोनों एक मजबूत पिलर की तरह थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कैसे ये उनके लिए एक निजी हानि है, अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया, और अभी इस वक्त परिवार के साथ बातचीत करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो अपने दोस्त अरुण जेटली की यादों में उस वक्त भी खो गए थे प्रधानमंत्री, जब उन्हें ये सूचना मिली थी कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत बड़ी निजी क्षति है उनके लिए और इस क्षति की कभी भी भरपाई नहीं हो सकेगी। और आज सबसे पहला काम जो प्रधानमंत्री ने वतन वापसी पर किया है वो है अरुण जेटली के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात, क्योंकि कल हमने देखा था कि अस्थि विसर्जन भी अरुण जेटली का हो चुका है और उसमें भी प्रधानमंत्री शिरकत नहीं कर पाए थे क्योंकि वो देश में मौजूद नहीं थे। तो आज जैसे ही वो यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने परिवार से मुलाकात की है और इस वक्त घर के अंदर की तस्वीरें जिसमें अरुण जेटली के बेटे मौजूद हैं और साथ ही उनकी पत्नी और बेटी। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अरुण जेटली के घर के बाहर वो मौजूद हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, परिवार से इस वक्त बातचीत भी कर रहे हैं, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कौन कौन परिवार में हैं अगर आप हमें ये भी बताएं, और इससे पहले भी जब जब परिवार की मुलाकात हुई हो या अरुण जेटली का जो प्रधानमंत्री से रिश्ता रहा है उसके मद्देनजर ये मुलाकात बेहद अहम। देखिए बिल्कुल बहुत ही अहम मुलाकात है ये, और पूर्व वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते थे वो बहुत ही प्रगाढ़ दोस्ती के थे, और इसीलिए हमेशा ये कहा जाता था कि अरुण जेटली इस सरकार के संकट मोचक हैं, और ना सिर्फ सरकार और पार्टी के, वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी संकट मोचक की भूमिका में रहे। आप याद कीजिए 2002 के बाद जब भी गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर यूपीए सरकार की तरफ से जो है सीबीआई की कड़ाई की जाती थी, तो उन मुद्दों को संसद के अंदर उठाने का काम जो है वो अरुण जेटली किया करते थे राज्यसभा के अंदर, और हमेशा अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट में भी उनके लिए जो जिस तरीके से लीगल लड़ाई लड़नी होती थी उसकी ड्राफ्टिंग से लेकर सारा सुपरविजन जो है वो अरुण जेटली किया करते थे। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच में जो दोस्ती है वो दोस्ती के अलावा बहुत कुछ थी, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के अंदर ये कहा था उनके निधन पर कि आज मैंने अपना दोस्त अरुण खो दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे एक पूर्व मंत्री का निधन हो गया है या मेरे एक सहयोगी का मित्र हो गया, उन्होंने दोस्त शब्द का प्रयोग किया था, और ये अमूमन इस तरीके के शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही कम प्रयोग करते हैं, और इसीलिए मैं आपको बता दूं 2009 से 14 के बीच में जब बीजेपी जो है चुनाव हार गई थी तब भी प्रधान अरुण जेटली जो है उनके लिए भूमिका तैयार करते रहे, और जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना था नरेंद्र मोदी को उसकी पूरी भूमिका जो है वो अरुण जेटली ने दिल्ली में तैयार की थी, और दिल्ली में तमाम बीजेपी के नेताओं को कन्विंस किया था, उनको यह बताया था कि आज जो है जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो घोषित किया जाए। तब पार्टी में बहुत विरोध था, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन सबको मनाने का काम अरुण जेटली ने किया था, और जब बिल्कुल वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुने गए थे तो उसके बाद जो चुनावी रणनीति थी उसमें अहम भूमिका अरुण जेटली की थी, और इसीलिए ये कहा जाता है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री का जितना काम उस वक्त है वो अरुण जेटली ही देखा करते थे, तो इसमें किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे हिमांशु। इस बीच तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दोनों दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद है अरुण जेटली के घर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही वहां पर मौजूद थे, उसके बाद घर के बाहर पहुंचे, प्रधानमंत्री को रिसीव किया, उसके बाद दोनों अंदर पहुंचे, और मीनाक्षी देखा जाए तो तीन महत्वपूर्ण स्तंभ जो बीजेपी के थे एक एक करके उनका निधन हो गया। अब से कुछ दिन पहले हमने सुषमा स्वराज को अचानक से इस दुनिया से विदाई लेते हुए देखा था, और अब
ये दूसरी क्षति बीजेपी के लिए, उससे पहले मनोहर पर्रिकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो एक के बाद एक बीजेपी के लिए बुरा वक्त कहा जाए, या एक ऐसा वक्त जिसमें तीन जो महत्वपूर्ण स्तंभ थे पार्टी के, उसे पार्टी ने खो दिया है। और ये अपूर्णीय क्षति जो पार्टी को हुई है, उसकी भरपाई आने वाले वक्त में मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि अरुण जेटली न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए पार्टी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, बल्कि एक दोस्त, एक ऐसे व्यक्ति जिनसे कई बातें प्रधानमंत्री ने साझा की। कई मुश्किल भरे वक्त में अरुण जेटली ने उनका साथ दिया, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी उन्हें वक्त वक्त पर सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल किया। और देखिए, जब ये दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये अपने आप में कितनी अहम है। अलग अलग मौकों पर ये तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री और अरुण जेटली साथ साथ रहे, ना जाने कितनी रैलियों में साथ गए, ना जाने कितने मंच एक साथ साझा किए, ना जाने कितने फैसलों में एक साथ खड़े रहे। और जब 2014 में सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए, तो उस समय भी बड़ी बड़ी नीति निर्धारण से लेकर सरकार के बड़े फैसलों में अहम भूमिका अरुण जेटली की रही। और आज जब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके चले जाने से वो जगह जो खाली हो गई है, ये शून्य, ये रिक्तता इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में, परिवार की आंखों में दिखाई दे रही है। और ऐसे वक्त में शब्द नहीं मिल पाते हैं व्यक्ति को कि वो परिवार से क्या कहे, किस तरह से अपनी संवेदना व्यक्त करे। और यही दिखाई भी दे रहा है तस्वीरों में, प्रधानमंत्री मौन बैठे हुए हैं परिवार के साथ। बहुत ज्यादा सवालों की यहाँ पर गुंजाइश नहीं रहती, क्या कहा जाए, किस तरह से अपने गम को बयां किया जाए, ये तमाम बातें एक व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं ऐसे वक्त में, कि कैसे ये जताया जा सके कि वो परिवार के साथ खड़ा है। और खास तौर पर जब वो उस वक्त भी मौजूद नहीं था मीनाक्षी, जिस वक्त उनका निधन हुआ, ऐसे में वो सारी चीजें इस वक्त प्रधानमंत्री के जहन में है कि कैसे वो ये बता पाए और समझा पाए परिवार को कि कितने दुख भरी घड़ी से। हालांकि नया देखिए, प्रधानमंत्री उस वक्त विदेश दौरे पर थे, लेकिन जब निधन की खबर आई तो उसी समय उन्होंने ट्वीट भी किए, जिसमें मैं अभी देख पा रही हूँ उनकी टाइमलाइन, 5 ट्वीट प्रधानमंत्री ने 24 तारीख को किए थे, 24 अगस्त जिस दिन अरुण जेटली का निधन हुआ। और ये भी खबरें सामने आई थी कि सीधे प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया था परिवार को, जिस बात का जिक्र उन्होंने किया भी है कि उनके बेटे से बात हुई, पत्नी से बात हुई, और खुद परिवार ने ये रिक्वेस्ट किया, ये अपील की कि आप बीच दौरे से वापस ना लौटें, अपने दौरे पर आगे बढ़ें, क्योंकि ये तीन देशों की जो यात्रा थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम बैठक थी, फ्रांस में G7 समिट चल रहा था, उसमें प्रधानमंत्री स्पेशल इनवाइटी के तौर पर वहां पर मौजूद थे, बहरीन में उन्हें भारतीय समुदाय को संबोधित करना था, वहां पर जो स्टेट हेड्स हैं उनसे मुलाकात करनी थी, तो खुद परिवार ने ये कहा कि आप उस दौरे के बाद हमारे पास आएं, बीच दौरा छोड़कर ना लौटें। और ऐसे समय में बातचीत, सवाल जवाब, दुख प्रकट करना, ये समय अपने आप में एक ऐसी मुश्किल लेकर आता है कि आप समझ नहीं पाते किसे क्या कहा जाए। परिवार का जो नुकसान हुआ है, जो हानि किसी के चले जाने से हुई है, उसे तो कभी भरा नहीं जा सकता। और इसीलिए प्रधानमंत्री आज सबसे पहले आज के दिन में जो उनका कार्यक्रम था, उसमें अरुण जेटली के घर पहुंचे बीती रात लौटने के बाद। हिमांशु हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, कितनी देर तक प्रधानमंत्री यहां पर परिवार वालों के साथ रहने वाले हैं, और किस तरह से वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह की जो आज की मुलाकात है परिवार वालों के साथ, वो लगभग कितनी देर तक जारी रहने वाली है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जो हैं लगभग
30 मिनट से ज्यादा समय से यहां पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और लगभग 15 मिनट के करीब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पर रहेंगे और ये एक अनऑफिशियल बातचीत है। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, इतना जरूर है कि वो किससे वो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर उनके परिवार के साथ शेयर करेंगे जो उनके यादों में बसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात उन्होंने बहरीन में कही थी शायद वो बातें आज भी उनके मन में होंगी और वो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के परिवार के साथ शेयर करेंगे। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि शायद पार्टी की तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा जो है वो रखी जाएगी और उसकी डेट और वेन्यू जो है वो तय किया जाएगा। उसके लिए जरूर परिवार के साथ बातचीत का क्रम चल रहा होगा पार्टी की तरफ से। वो तमाम चीजें हैं किस तरीके से जो है परिवार में अब क्या परिवार के जो बच्चे हैं वो क्योंकि दोनों बहुत सेटल्ड हैं उनके लेकर बहुत चिंता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो अरुण जेटली का जो परिवार है वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े वकील थे, लेकिन हम आम लोग जो हैं वो उनके परिवार के बच्चों के नाम भी नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि अरुण जेटली के बच्चों के नाम क्या हैं और वो क्या करते हैं। खासियत रही कि अमूमन हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा राजनेता होता है तो उसके परिवार में भाई भतीजा या बच्चे जो हैं उनके बारे में जरूर जानते हैं क्योंकि वो राजनीति में जरूर आ जाते हैं। लेकिन अरुण जेटली के साथ ऐसा कुछ नहीं रहा, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है वो राजनीति में नहीं आया और ना ही उन्होंने कभी अपने बच्चों के नाम को भी आगे आने दिया। वो उनको अलग प्रोफेशन में रखा और ये एक बड़ी खूबसूरती से उन्होंने जो काम किया परिवार के लिए। अरुण जेटली एक बहुत बड़े दिल के भी व्यक्ति थे। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने स्टाफ के बच्चों को पढ़ाया भी है उन्हीं स्कूलों में जहां पे उनके बच्चे पढ़े हैं, उनको जो है कह सकते हैं कि उनकी फीस को भी उन्होंने अदा किया और हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे और अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा कर गया तो उसको इनाम भी दिए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अरुण जेटली के बारे में बताती हैं कि वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। पार्टी और संगठन के लिए तो हमेशा संकट मोचक ही रहे। आप देखिए कि जब भी पार्टी को संकट आता था तो अरुण जेटली की याद आती थी। सरकार में अगर कोई संकट आता था किसी को भी तो प्रधानमंत्री की तरफ से रेफर कर दिया जाता था कि आप जाके अरुण जेटली से मिल लीजिए, वो जो है रास्ता सुझा देंगे और वो बताएंगे आपको क्या करना है इस मामले में। सीबीआई के अंदर जब दो अधिकारियों की लड़ाई सड़क पर आ गई थी तब भी जो है उसका रास्ता जो है वो अरुण जेटली ने ही निकाला था और उन्होंने बताया था कि ये दो अधिकारियों की लड़ाई है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके के तमाम ऐसे मुद्दे जब भी सरकार या पार्टी संकट में आई या ये कह सकते हैं कि जब अमित शाह संकट में थे वो दिल्ली में थे तो उनकी कानूनी लड़ाई जो है वो कैसे लड़ी जाएगी इसकी भूमिका भी जो है वो अरुण जेटली ही देखते थे अपनी सुपरविजन में और उसका ऊपर क्या फैसला होना है उसको भी देखने की कोशिश करते थे। किस तरीके के ड्राफ्ट होगा, अंतिम ड्राफ्टिंग की जो है वो अरुण जेटली की आंखों से होकर ही जाती थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि पार्टी संगठन और सरकार में अरुण जेटली की क्या भूमिका थी। 2019 के चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो सरकार में नहीं रहेंगे और उन्होंने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है और स्वास्थ्य कारणों के कारण वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी कैबिनेट का विस्तार से पहले जो है वो मिलने गए थे अरुण जेटली से और अरुण जेटली को शायद उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि वो उनकी कैबिनेट में शामिल हो, लेकिन अरुण जेटली ने एक सिरे से मना कर दिया था कि उनका स्वास्थ्य जो है वो साथ नहीं दे रहा है, पिछले कुछ समय से वो बहुत बीमार है इसीलिए वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तो वो उनको सलाह देने के लिए हमेशा तैयार है। और यही कारण है कि आज आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम अगर कोई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो अरुण जेटली के घर आकर उनके परिवारजनों के साथ को उन्होंने जो है वो शोक संदेश दिया है और साथ ही साथ श्रद्धांजलि दी है पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को जो उनके बहुत करीबी मित्रों में है, जो जिनके साथ वो हर तरीके की बात शेयर करते थे पार्टी से लेकर सरकार की और तमाम वो बातें जो शायद पब्लिक फोरम पर भी नहीं आती थी वो भी उन्होंने हमेशा जो है पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ शेयर किया। उनकी चुनावी रणनीति बनाने में हमेशा अरुण जेटली सबसे आगे रहे। गुजरात के 2002 के चुनाव से लेकर 2012 तक के चुनाव के वो चुनाव प्रभारी रहे। 2014 और 19 के चुनाव में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2014 में अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन हमेशा वो पूरे देश की चुनावी रणनीतियों को देखते थे और ये देखते थे क्या मुद्दा आज रहने वाला है, किस तरीके से जो है यूपीए सरकार को जवाब देना है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषणों में कहना होगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर अरुण जेटली हमेशा चुनाव लड़ते हुए भी नजर रखते थे। 2014 में अरुण जेटली चुनाव जरूर हार गए थे लेकिन हार के बाद
जो सबसे पहले व्यक्ति उनसे मिले थे अमित शाह मिले थे और उन्होंने कहा था कि सरकार में उनको रहना होगा और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभालनी होगी। और आप देखिए कि चुनाव हारने के बाद अरुण जेटली को सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और वो वित्त मंत्री की सरकार में नंबर चार की भूमिका में थे। लेकिन एक बार हम ये भी सुनवा देते हैं कि जब प्रधानमंत्री बहरीन में मौजूद थे और अरुण जेटली के निधन की खबर आई तो उन्होंने अपने भाषण में कैसे अरुण जेटली को याद किया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया, एक भारी व्यथा के साथ, दुख के साथ। और ये अगस्त महीना कुछ दिन पहले हमारी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी चली गई, आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। मैं आज बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं, उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अरुण जेटली के घर की, जहां पर शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमांशु हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, आप लंबे वक्त से बीजेपी पार्टी को कवर करते आए हैं, कई ऐसे मौके होंगे जब आप अरुण जेटली से मिल चुके हैं, उनका इंटरव्यू कर चुके हैं, संसद के बाहर भी उनसे मुलाकात हुई होगी। ऐसे में एक महत्वपूर्ण संकट मोचक के तौर पर उन्हें देखा गया, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है किसी आदमी के गुजर जाने के बाद उसकी कोई अधूरा सपना, कोई अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है पार्टी या फिर उनका परिवार। देखिए, बिल्कुल, अरुण जेटली एक बहुत बड़े विजनरी थे, ये कह सकते हैं कि वो जो सोचते थे वो बहुत आगे की सोचते थे। और इसीलिए आप देखें कि जीएसटी पिछले 10 सालों से रुका हुआ था और जीएसटी को किस तरीके से सभी पार्टियों को मनाकर जीएसटी को लागू करवाने का काम बहुत बड़ी हद तक जो है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निभाया। और उसके बाद जीएसटी के अंदर कई स्लैब में कई चीज़ों को रखा गया था, उनकी दरों को घटाने का काम, जीएसटी काउंसिल में लाने का, वो सब वो तमाम करते रहे। और जीएसटी को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाएगा ये भी उन्होंने किया। और नोटबंदी के दौरान जब हम लोग उनसे मिला करते थे तो मैंने एक बार उनसे कहा था कि सर, एटीएम पे कई जगह पे प्रॉब्लम है और जो है कैश निकल नहीं रहा है। तो वो खुद कनॉट प्लेस और उसके आसपास के एरियो में उन्होंने विजिट किया था और उन्होंने पाया था कि एटीएम में जो है बहुत सी दिक्कतें हैं। उन्होंने वहीं से अधिकारियों को निर्देश दिया था और कहा था कि एटीएमओ को तुरंत जो है ठीक किया जाए और देश भर में कहीं भी एटीएम में प्रॉब्लम हो उसको 24 घंटे से पहले जो है ठीक कर देना चाहिए और लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके के थे अरुण जेटली, अगर अच्छे सुझाव आते थे तो उनको वो मान भी लेते थे। एक और चीज बता दूं मैं आपको, किस पार्टी के संगठन में उन्होंने बहुत से लोगों को तैयार किया। एक जमाने में लालकृष्ण आडवाणी ने वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, अनंत कुमार को तैयार किया, तो अरुण जेटली ने भी उसी तरीके से पार्टी में एक तीसरी पीढ़ी को तैयार किया था जिसके अंदर। हिमांशु, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर हम ये तस्वीरों का रुख कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहां पर कुछ समय बिताया परिवार के साथ और अब परिवार से विदा लेते हुए लौट रहे हैं प्रधानमंत्री वापस। कई लोग और भी वहां पर मौजूद। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, अरुण जेटली की तस्वीर के आगे उन्होंने फूल चढ़ाए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद परिवार के साथ कुछ समय बिताया, मौन रहकर थोड़ी बहुत बातचीत और उसके बाद अब प्रधानमंत्री यहां से लौट गए हैं। तो बीती रात ही प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा से वापस लौटे, जिसमें फ्रांस में उनकी एक अहम कार्यक्रम थे जिसमें G7 समिट में शामिल होने के अलावा
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात थी और जैसे ही देश वापस लौटे उसके बाद सबसे पहले का दिन का सबसे पहला कार्यक्रम उनका ये रहा जब वो अरुण जेटली के परिवार से मिले। प्रधानमंत्री के आने से कुछ देर पहले ही गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके थे, परिवार से बातचीत कर रहे थे और अब दोनों यहाँ से विदा लेते हुए लौटते हुए। हमने आपको दिखाया पूरा किस तरह से अरुण जेटली के परिवार से मुलाकात का यह समय रहा और ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी क्योंकि जो प्रगाढ़ रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के बीच थे और कई बड़े अहम फैसलों में जिस तरह की उनकी भूमिका रही, उनका जाना वाकई सरकार के लिए बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति, लेकिन जिस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री बहरीन में कर रहे थे कि मेरे लिए भी एक निजी क्षति है ये कि मैंने अपने दोस्त अरुण को खो दिया। चाहे गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली में लाना हो और दिल्ली में जिस तरह से फिर उनकी भूमिका बढ़ती चली गई, गुजरात में जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय भी अरुण जेटली की अहम भूमिका रही, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के तो उस समय भी अरुण जेटली जिस तरह से एक्टिव रहे और इलेक्शन कैंपेन से लेकर 2014 का चुनाव जीतने तक जो स्ट्रैटेजी जो रणनीति उन्होंने पार्टी के लिए तैयार की नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, ये तमाम ऐसे पड़ाव हैं इस दोस्ती के जो शायद कहीं ना कहीं आज रह रहकर यादों के तौर पर मन से गुजर रहे होंगे। और जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले हिमांशु भी कर रहे थे कि मोदी सरकार के बड़े फैसले और वित्त मंत्री रहते हुए अरुण जेटली ने जो अपनी लीडरशिप में अपनी टीम के साथ जो बड़े फैसले देश के लिए लिए उसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है, चाहे GST का फैसला हो या नोटबंदी से पहले की भूमिका तैयार करना हो, नोटबंदी को लागू कराने से लेकर उसके बाद तक के कई और कदम, बजट पेश करने के दौरान संसद में जो स्पीचेस अरुण जेटली की रहीं और कई ऐसे मुद्दे जिसमें विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरा, अरुण जेटली सरकार के लिए वो भूमिका संभालते थे, वहां पर बैटिंग करते हुए दिखाई देते थे जिसमें एक से बढ़कर एक तर्क देकर फैक्ट्स रख के तथ्य सामने रखते हुए विपक्ष के तमाम आरोपों को काटते थे। और जिन दो नीतिगत फैसलों का मीनाक्षी आपने यहाँ पर जिक्र किया, खास तौर पर उनमें दो बड़े फैसले नोटबंदी और GST, उसमें कई ऐसे फैसले जिनको लेकर सरकार की काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी की गई, उस वक्त भी ढाल बनकर प्रधानमंत्री और साथ ही अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे अरुण जेटली। और अब बात करेंगे मोदी और ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात की जो कि कल हुई थी और इस मुलाकात में जैसे दोस्ती के नए दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए गए हों। मोदी ने ट्रंप को समझा दिया कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है। ये वो तस्वीरें हैं जहां गर्मजोशी है, साथ चलने का इरादा वादा है, सीधे सीधे उन मुल्कों और ताकतों को खबरदार करते बयान है जो आतंक के नाम पर दुकान सजाए बैठे हैं। मोदी ट्रंप की बैठक में वो बेतकल्लुफी दिखी जो कूटनीति के बीच दोस्ती वाली नेताओं के बीच होती है, एक सुपर पावर देश के राष्ट्रपति के साथ एक सुपर पावर लोकतंत्र का सुपर पीए। ये मोदी की कूटनीति का कमाल है जिसने कश्मीर पर अमेरिका के ट्रंप कार्ड की कार्ड ढूंढ निकाली। बड़ी सफाई से ट्रंप को समझा दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, कश्मीर में कोई तीसरा देश कष्ट ना करे तो अच्छा होगा। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलेटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। ये वही ट्रंप हैं जो कश्मीर में मध्यस्थ बनने को तैयार बैठे थे, लेकिन मोदी के सामने कश्मीर पर पुराने प्लान से तौबा कर लिया, समझ लिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश के साथ दखल का दम नहीं चलेगा। चालीस से पचास मिनट की बैठक में मोदी और ट्रंप ऐसे मिले जैसे कोई दोस्त बड़ी शिद्दत से इस लम्हे का इंतजार कर रहे हों, हाथ मिलाए, दिल मिले, कुछ कहा, कुछ सुना, हंसे खिलखिलाए। Actually speaks very good English. We just don't want to talk.
मोदी ट्रंप की गर्मजोशी से भरी इन तस्वीरों में दुनिया ने दो मुल्कों के साथ चलने के वादे को पढ़ लिया। ट्रंप मोदी का ये अंदाज पाकिस्तान को इस कदर बेचैन कर गया कि इमरान खान भाषण में पद की मर्यादा तक भूल गए, बम का दम दिखाने लगे, जंग से डराने लगे। ये वही इमरान खान हैं जो चंद दिन पहले ट्रंप से कश्मीर में मध्यस्थ बनने का वादा लेकर उछल रहे थे, लेकिन भारत की कूटनीति ने अमेरिका को यूटर्न के लिए मजबूर कर दिया। अब लबो लुआब यह है कि पाकिस्तान की कोई सुनने वाला नहीं और अमेरिका के सामने भारत की जय जयकार हो गई। आज तक ब्यूरो। तो कश्मीर पर मोदी की खरी खरी के कायल पूरा सियासी जगत इस वक्त हो चुका है। मोदी की कूटनीति से ट्रंप का मध्यस्थता का दाव भी बिखर गया। तस्वीरें बताती है, इमरान खान जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो लग रहा था कटोरा लेके बैठे, और नरेंद्र मोदी मिले तो ऐसा लगा जैसे दो बड़े मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिल रहे हैं। और क्या तस्वीर आई, अगर दोनों की तस्वीर देख लें तो पाकिस्तानियों के पसीने छूट जाएंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि भारत और अमेरिका बराबर के देश हैं और पाकिस्तान एक भीख मांगने वाला देश है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का सर्टिफिकेट लेने के लिए हम क्यों उतावले रहते हैं? वो तो इसी तरह के बयान देते रहते हैं, कभी किसी तरफ, कभी किसी तरफ, कभी किसी तरफ, तो उसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने स्टैंड पर रहें, बने रहें कि बायलेटरल इशू है, कोई तीसरी पार्टी को कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और इसको कभी फ्रांस में जाके, कभी इंग्लैंड में जाके, और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाके इस मुद्दे को चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। मीनाक्षी, इतिहास रचने के बाद पीवी सिंधु की वतन वापसी हो चुकी है और वहां पर एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कल रात दिल्ली लौटी, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर वो वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई। अपनी जीत पर सिंधु ने कोच फैंस को शुक्रिया कहा। सिंधु ने बताया कि वर्ल्ड चैंपियन बनने का लम्हा उनके लिए काफी इमोशनल था। इससे पहले 2017-2018 में वो फाइनल में हारी थी, लेकिन इस बार इतिहास बदलते हुए उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। Of course, I would like to thank everybody. Well, I couldn't give reply to everybody, but definitely I will. I was just traveling, but thanks to all my fans for your love and blessings. And I think your blessings have brought me till here. And I think definitely I will work more hard and get many more medals for the country. तो नया ये जीत की खुशी और गर्व का एक लम्हा जो सिंधु पूरे देश के लिए लेकर आई हैं। बिल्कुल, इसी के साथ एक और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे सुबह 11 बजे खबरों के डबल डोज के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।